है गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन। आज मैं अगेन आपके साथ में मीशो हॉल लेकर के आई हूँ और इसमें मैं आपके साथ में ना सेमी स्टेज सूट कह लो या ड्रेस मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड साथ में लहंगा भी शेयर करने वाली हूँ जो कि आप सबका मोस्ट फेवरेट है। तो वीडियो को अच्छे से देखना एंड गाइस, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये सभी रीसेलिंग में भी है, यानी अगर आपको इसमें से कोई भी आर्ट पसंद आता है तो आप मेरे से ले सकते हो। चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं वीडियो। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है ना, वीडियो को अच्छे से देखना, उसके बाद अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इपिका फैशन विथ मी के नेम से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये मैंने एक ड्रेस मटेरियल लिया है, ये स्टिच नहीं है, सेमी स्टिच टाइप का है। इसका मैं पिक्चर आपको साइड में लगा दूंगी। इस तरह से कुछ रिसीव हुआ है, देख सकते हो। इस पे ना जरी का वर्क हो रखा है एंड साथ में ना थ्रेड का भी वर्क है एंड साथ स्टोन का भी इसमें पेस्टेड टाइप का वर्क है। ओके, ये सेमी स्टिच है तो इस टाइप से ये आपको मिलेगा इसका फैब्रिक। फ्रंट का जो नेक है बना हुआ है, बट आपको ना कट करवा के ही बनवाना पड़ेगा। पूरा सिंपल है गैस, जॉर्जेट का फैब्रिक है एंड स्लीव्स पे आप देखो बहुत ही सुंदर सा वर्क दिया हुआ है। फुल स्लीव्स आप बनवा सकते हो। यहाँ पे लास्ट में देखो कितना प्यारा सा वर्क हो रखा है एंड जो इसका बैक साइड है गैस, सिंपल दिया हुआ है, पूरा सिंपल है एंड इसके अंदर में ना आपको लाइनिंग का जो कपड़ा है ना वो भी स्टिच करके दिया हुआ है। ओके, तो जस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग फिटिंग करवानी है, नेक बनवाना है, दैट्स इट। ओके, ये इसका इस तरह से आएगा एंड जो फ्रंट है ना गैस, इसी में आप देखोगे नीचे में ना कुछ इस टाइप का ये वर्क हो रखा है, जैसे पिक्चर में गिवन है ना, सेम टू सेम है देखो। एंड साइज ना ये ट्रिपल एक्सेल वालों को आराम से हो जाएगा, अगर आप ट्रिपल एक्सेल के हो ना तो ये आप ले सकते हो। ओके, एंड ये देखो, ये बॉटम वियर के लिए ना फैब्रिक मिला हुआ है, ये सैंटून का फैब्रिक है एंड टोटल आई थिंक 2 मीटर के अप्रॉक्स, 2 या 2.5 मीटर के अप्रॉक्स में ये फैब्रिक है। जो भी है मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी इसका फैब्रिक एंड ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टे पे आप देखोगे ना काफ़ी सुंदर वर्क हो रखा है चारों तरफ बॉर्डर के साथ में एंड मिड में भी आपको इस तरह से फ्लावर्स बने हुए मिलेंगे। ओके, पूरे पे आपको यही वर्क देखने को मिलेगा एंड जो फैब्रिक है गैस, इसका भी जॉर्जेट का फैब्रिक है, लेंथ प्रॉपर 2.5 मीटर दिया गया है, विड्थ भी इसकी काफ़ी अच्छी हो रखी है। तो ये वाला ना अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो लाइक करके ही जाना। तो नेक्स्ट वन देखते हैं जो कि है बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा लहंगा। और जब तक मैं इसे ओपन करती हूँ तब तक आप जल्दी से चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास का नोटिफिकेशन बेल हिट करके ऑल पे क्लिक कर दो। ओके, ये देखो, ये इसका लहंगा है। इसमें ना आपको 2 कलर मिलता है, एक ग्रीन कलर और एक ये डार्क ब्राउनिश कलर वाला कलर है ये, और नो सेमी स्टिच है तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवानी होगी। तो सबसे पहले आप ये देखो इसका दुपट्टा, दुपट्टा आपको निट के फैब्रिक का मिलता है चारों तरफ बॉर्डर के साथ में एंड बीच में ना आपको इस तरह से सीक्वेंस का वर्क दिया है, सीक्विन है, साथ में आपको जरी का वर्क। ओके, पूरे दुपट्टे पे आपको यही वर्क मिलेगा एंड साथ में ना इसमें आपको कट वर्क दिया गया है, देखो इतना प्यारा सा है। एंड जो नेट की क्वालिटी है गैस, अच्छी वाली है, सॉफ्ट है, हार्ड वाला नहीं है, तो ये ना आराम से आप कैरी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कैरी कर सकते हो। एंड जो दुपट्टे का लेंथ है गैस, ये आपको अप्रॉक्स 2.5 मीटर दिया गया है एंड विड्थ तो आपने देखा ही, इसका लुक बाकी आपको ट्राई ऑन में दिखेगा। ब्लाउज के लिए गैस आपको ना इस तरह से फैब्रिक मिलता है, जॉर्जेट के फैब्रिक है और उस पर आपको इस तरह से वर्क मिलेगा, पूरा इस तरह से आपको वर्क देखने को मिलेगा। ये आपको इस तरह से इतना आपको फ्रंट एंड बैक के लिए फैब्रिक दिया हुआ है एंड ये थोड़ा सा और आपको जॉर्जेट के फैब्रिक दिया हुआ है। एंड अगर आप पिक्चर के अकॉर्डिंग बनवाना चाहते हो, जैसे पिक्चर में ब्लाउज है सेम वैसे बनवाना चाहते हो तो वैसे भी बनवा सकते हो, प्रॉपर आपको पूरा फैब्रिक दिया हुआ है। एंड गैस लाइनिंग के लिए भी ना आपको इस तरह से सैटिन का फैब्रिक दिया हुआ है, अप्रॉक्स 1 मीटर का ये फैब्रिक भी आपको मिलता है। नाउ अब आप इसका लहंगा देखो, कितना प्यारा सा लहंगा है, सेम स्टिच है एंड बेल्ट पे कोई वर्क नहीं है एंड नीचे देखो आप कितना फ्लेयर ही है। यहाँ से ना इसको प्लेटेड करके बनाया गया है तो इसका जो फ्लेयर है गैस बहुत ही ज़्यादा है एंड अमेजिंग है। इस पर भी आपको जरी का वर्क देखने को मिलेगा एंड साथ में सीक्वेंस का वर्क मिलेगा। ओके, पूरा भरा हुआ वर्क है, नीचे में देखो कितना सुंदर सा हैवी वर्क दिया हुआ है और सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा
एंड अंदर में आपको एक सैंटून के फैब्रिक की लाइनिंग दी गई है एंड यहाँ पे आप देखो कैनवास एंड कैन दोनों प्रॉपर लगा हुआ मिलेगा एंड ये पूरा ना ऐसा है कि आपको पूरा फ्लेयर देगा ओके इस टाइप का है। यहाँ पे इंटरलॉकिंग वाले टाइप का भी है ताकि आपको ना चुभे बिल्कुल भी नहीं इस तरह से। एंड देन एक लाइनिंग इस तरह से आपको पूरा कैनवास एंड सब कुछ लगा हुआ मिलता है, जस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवाना है। बहुत ही खूबसूरत गाइस ये लहंगा है एंड फुल फ्लेयरी है, देख सकते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड फ्लेयर अगर मैं बात करूँ ना तो 5 से 6 मीटर के अप्रॉक्स में ये आपको पूरा घेरा इसका मिलने वाला है। तो जब आप इसको स्टिच करवाओगे ना तब आपको एग्जैक्ट इसका पता चल जाएगा कि ये कितना फ्लेयरी है। बाकी आपने ट्राई ऑन में देखा कि ये इसका लुक कैसा आ रहा है और अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो ज़रूर लेना। कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है एंड रीसेलिंग प्राइस भी आपको स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। एंड नेक्स्ट वन गाइस मैंने ना एक ये ज्वेलरी ली है, बहुत ही सुंदर सी ना चोकर वाली सेट है और आई थिंक 139 रुपीज़ के अप्रॉक्स में है, लेकिन इतने ही प्राइस में गाइस इतना अच्छा मिल गया ना मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। एंड इस टाइप का इसमें ना कलर्स की वेन है, अगर आप कोई और कलर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इस टाइप का ये कलर है, देख सकते हो, इसे ना मैंने लहंगे के साथ पहन के दिखाया, आप मुझे बताना कैसा लग रहा है। और क्वालिटी गैस बहुत ही अच्छी है, एकदम लग रहा है ना कि हाँ कुछ मैंने कुछ एक्सपेंसिव लिया है, बट ये एक्सपेंसिव नहीं है, देख सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये मिल गया। एंड इसके साथ में ना इयररिंग्स भी दिए हुए हैं, इयररिंग्स छोटे छोटे स्टड्स टाइप के हैं एंड इस टाइप के ये आपको इयररिंग्स मिलेंगे, सुंदर से हैं नो, अगर किसी साड़ी के साथ वेयर किया जाए ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इसे भी ना अगर आप लेना चाहते हो तो ज़रूर लेना क्योंकि मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा और इतनी कम प्राइस में आई थिंक यू शुड। सो आई होप आज की हॉल वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना एंड चैनल पे गिव अवे चल रहा है तो उसके जो क्वेश्चन थे ना मैंने बीच में क्वेश्चन करना भूल गई। तो गैस आज के हॉल के जो क्वेश्चन है ना ये है कि अगर आप कोई भी ज्वेलरी खरीदते हो तो उसमें आप कितने रेंज तक जाना चाहोगे, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, तो इससे मुझे एक पता चल जाता है ना कि आपने वीडियो कहाँ तक देखी है एंड आपने वीडियो अच्छे से देखी है या स्किप कर करके देखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।